और अब बात करते हैं खरगोन की, जहां प्रदेश के ऊपरी क्षेत्र में बारिश के चलते नर्मदा नदी उफान पर है और इंदिरा सागर बांध और ओंकारेश्वर बांध के भी गेट खोले गए हैं, जिसके चलते खरगोन जिले में नर्मदा नदी खतरे के निशान के पास पहुंच गई है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर रात को खरगोन जिले के बढ़वा तहसील के मोटक्का पुल पर वाहनों का निकलना बंद कर दिया है। पुल के दोनों ओर छोटे बड़े वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। जिला प्रशासन ने नर्मदा नदी में आई बाढ़ को लेकर एहतियातन के तौर पर जिले के बढ़वा, सनावद, मंडलेश्वर, महेश्वर और कसरावत के निचले नर्मदा तट के इलाकों में अलर्ट जारी किया है। वहीं एएसपी ने बताया कि नर्मदा में पानी बढ़ने को लेकर पुल को बंद किया गया है। खंडवा से इंदौर जाने वाले भारी वाहनों को देसगांव से खरगोन होते हुए इंदौर रवाना किया जा रहा है। वहीं छोटे वाहनों को बढ़वा, नर्मदा एक्वाडक्ट पुल से निकाला जा रहा है। नर्मदा में बाढ़ का पानी कम होता है तो पुनः पुल चालू किया जाएगा, लेकिन अभी सुरक्षा को लेकर बंद किया गया है। अभी जो कंट्रोल रूम हमारा वहाँ डैम का है, वहाँ से सूचना मिली है कि लगभग 12,900 क्यूमिक पानी छोड़ा गया है और उसके परिप्रेक्ष्य में अलर्ट जारी कर दिया है। खंडवा जिले के मानदाता थाना और खरगोन जिले के बढ़वा थाने के द्वारा इसमें नाकाबंदी की गई है। अभी अत्यंत छोटे वाहनों को प्रवेश दिया गया है। भारी वाहन, लोडेड वाहनों को देशगांव से खरगोन होते हुए इंदौर की तरफ डाइवर्ट किया है और इंदौर से भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने चर्चा की है, तेजाजी नगर से एबी रोड की तरफ डाइवर्ट किया गया है। और इसी परिप्रेक्ष्य में अभी वर्तमान में 162.8 मीटर जो है पानी का लेवल है। जैसे ही वो 163 को क्रॉस करेगा तो हम लोग टोटल यातायात बंद कराएंगे और इसमें हम अत्यंत छोटे वाहनों को एक्वाडेक पुल के माध्यम से हम डाइवर्ट करेंगे। जैसे जैसे हम लोगों को ओंकारेश्वर से सूचना मिलती जा रही, उस अनुसार हमारे बढ़वा और सनावत तहसील के जो गांव है नर्मदा किनारे, वहां पे हमारी निरंतर प्रचार प्रसार कर रहे, डोली पिटवा दी है और अधिकारी और कर्मचारी को लगा दिया है, तो सभी को अलर्ट जारी कर दिया है। सब यातायात अभी बंद करने वाले हैं, कुछ बड़े भारी वाहन बंद किए हैं, अभी छोटे वाहन चल रहे हैं।